अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अदाकारा मरियम नूर की मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। मरियम नूर अपनी मेहंदी के मौके पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थीं। वीडियो को लाइक और चैनल को बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको मरियम नूर की मेहंदी की वीडियोज़ और तस्वीरें दिखाएँगे। यहाँ सर्दियों का मौसम है और शादियाँ भी। मशहूर शख्सियात की शादियाँ ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ होती हैं जिसका मद्दा उस दिन से इंतज़ार करते हैं जब उनके पसंदीदा सितारे शादी के बंधन में बंधने का ऐलान करते हैं। अदाकारा मरियम नूर अपनी ज़िंदगी के नए दौर में दाखिल होने को तैयार हैं और उनकी शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। वो यकीनी तौर पर बहुत मज़ा कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने शौहर के साथ वीडियो को शेयर किया है। मरियम नूर ने अपनी शादी का आगाज़ कुछ मज़ेदार ढोलकियों से करने का फ़ैसला किया और उन्होंने हल्दी की तकरीब का भी एहतमाम किया, जहां उन्होंने फूलों के दरमियान रिवायती पीले रंग का इंतखाब किया। मरियम नूर और उनके शौहर भी अब शादीशुदा हैं क्योंकि उनके निकाह की तकरीब पहले मुनक्किद की गई थी। मरियम नूर की तमाम शादी के इवेंट जो हैं अब उनके शुरू हो चुके हैं। निकाह की तकरीब के बाद बाकायदा उनकी मेहंदी की रस्म का आगाज़ हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके ख़ानदान के लोगों ने किस तरह से इस मेहंदी के इवेंट को इंजॉय किया है। यहाँ तक कि मरियम नूर और उनके शौहर ने भी डांस किया एक साथ। खूबसूरत तस्वीरें भी अपलोड की अपने मदाहों के लिए, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। मरियम नूर को उनकी शादी के मौके पर उनके मदाह मुबारकबाद दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मरियम नूर भी अपने तमाम इवेंट्स की वीडियोज़ और तस्वीरें फौरन ही इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं, जिसे देखकर मदा खुश हो रहे हैं और उनकी वीडियोस शेयर की गई जो है वायरल भी हो रही हैं। और अभी हाल ही में मरियम नूर की मेहंदी की तकरीब मुनक्किद हुई। वो रंगीन नीले और पीले रंग के जोड़े में खूबसूरत लग रही थीं। मरियम नूर की मेहंदी के मौके पर उनकी शोबिज इंडस्ट्री की फ्रेंड्स को भी साथ देखा गया। आई होप कि आपको मरियम नूर की मेहंदी की वीडियोज़ पसंद आई होगी। आप भी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मरियम नूर मेहंदी के इवेंट्स में कैसी लग रही थी। Thanks for watching my videos. Take care. Allah Hafiz.